तो नंबर की शुरुआत किशन शर्मा एंड पार्टी खिचुआ आटे वालों की तरफ से केवल दो शब्द अपने गुरु आदरणीय स्वर्गीय श्री विजेंद्र शर्मा जी के चरणों में रखूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद मैं अपना गाना प्रारंभ करूंगा, तो सुनेंगे नंबर की शुरुआत। हाँ जी मास्टर साहब। अरे कौन सुने और हम किस से कहें कि ये कौन सुने और हम किस से कहें बाजी अपने मन की करोड़ पुकारे और अपने मन की करोड़ पुकारे अरे हमें छोड़ सुरपुर गए गुरु शर्मा विजेंद्र कुमार के रसिया बाजी का जब जब और जिक्र कहीं भी आएगा और तब तब विजेंद्र शर्मा का भी नाम लबों पे बार बार धन्यवाद है। गुरु के चरणों में ये चार पक्तियां मैंने अर्पित की। अब एक छंद दे रहा हूं भैया गोपाल नाथ अखाड़े वालों के लिए, आप लोग देखेंगे कि क्या जवाब लेकर के आएंगे। और टाइम यहां से नोट करें, कमेटी वालों से निवेदन है टाइम नोट करें। अरे कन्या को तब मारने से यो बोली है किल का हाँ भाई गुल्ला भैया, अब वो कन्या क्या कहने लगी है और पक्ष तुम समझ गए होंगे मैंने तुम्हें पक्ष किसका दिया है। हाँ साहब। अरे मोय का मारे तू हत्यारे अरे मोय का मारे अरे के मोय का मारे हो हत्यारे और तेरे काल शीश पे छायो है और तेरे काल शीश पे छायो है। और जनता से मेरा यहीं से निवेदन है, अगर लेख से बात सही हो तो केवल आशीर्वाद तालियों का आपका होगा। तेरे काल शीश पे छायो है और हे राजा कंस अरे तोए मारे बे बारो ब्रज में अब पैदा है ते आयो है मारवे बारो ब्रज में
पैदा है के आयो है। सुनो आगे और। अरे तेरी नाक में डारे बोखोड़ा रे तेरी, समझना जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं। तू मत बोले भौड़ा भौड़ा। और राजा कंस कहते ने अरे तेने मारे बहन के लौड़ा, तेने मारे बहन के लौड़ा, अरे तेने मारे बहन के लौड़ा भारी है मो। अब आगे द्वितीय जिकड़ी चालू होती है खलीफाजी। अरे नीचन कमो तो सो मैंने, अरे नीचन कमो अरे तो सो मैंने, अरे और न देखो कोई है, और नीचन कमो तो सो मैंने और न देखो कोई है। देख खास बहन बहनोई है तेने जेल में, अरे बदलो ले गो वो गिन गिन के, चेतन खलीफा अरे बदलो ले गो वो गिन गिन के, अरे तेरी लाश पे माटी भिनके, और के आबे काल तेरो छिन छिन के, आबे काल तेरो छिन छिन के, रे आबे काल तेरो छिन छिन के, नाए रे मो हो गए। दिमाग में सेट करते जाना खलीफा जी। अब तृतीय जिकड़ी चालू होती है, देखेंगे जिस तरीका से मैं काफिया बताता चला जा रहा हूं उसी तरीका से उनसे पूछना कि काफिया क्या आया। ठीक है? हाँ सर। अच्छे बच्चा मरवाए भेजा ब्रज के, और तेने खून बहायो है, और ऋषि मुनि को दुख दयो तू देख हत्यारों लायो है, आ
मीन्स कैसे सहमो चली रहा है। अगर आप लोगों की इजाजत हो जाए तो भैया से एक प्रश्न पूछ लूं भैया छोटा सा। हाँ जी खलीफा जी, आप दोनों में बड़े माहिर हैं, हमने बचपन से देखा है जब कोई धुन बताते हो तो अटपटी बताते हो, मगर मुकेश के मुखारबिंद से भी अटपटी धुन आपने बहुत सुनी, मगर एक धुन और सुनना। हाँ मासा धुन बजा के मासा। जनार्दन से निवेदन है, देखिए ये अलीगढ़ जिला है, यहाँ पर एक से बड़े एक उस्ताद पैदा हुए गानेबाजी में, मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, ये मेरी तकदीर रही। खलीफा जी, मैं अलीगढ़ जिले का रहने वाला हाथरस में शागिर्द हुआ, अलीगढ़ जिले का रहने वाला हाथरस में शागिर्द हुआ, कुछ सोच समझ के हुआ, तो एक धुन निकल के आई। हासा मासा रामारे हो हो हो। अगर धुन बढ़िया लग जाए तो केवल आशीर्वाद भैया। देख अरे सपनों में खो गई रात बहुत हो गई, आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे सजनबा सजनबा, तेरे कारण कारण मेरे साजन। उस्ताद अब गीत सुनेंगे और भैया के लिए मैं क्या दे रहा हूं, गुल्ला भैया चाय माखन चोर होए, अरे चाय माखन चोर होए, चाय चित्त चोर होए, अरे मेरे दाऊ बाबा के भैया बन जाइए, मेरे दाऊ बाबा के भैया बन जाइए, मेरे दाऊ बाबा के भैया बन जाइए। और अरे चरवैया गैया के नंद जसदा मैया के गोकुल में आके कन्हैया बन जाइए, गोकुल में आके कन्हैया बन जाइए, गोकुल में आके कन्हैया बन जाइए। और उस्ताद अरे राधा के साथ में, अरे राधा के साथ में बंसी लेके हाथ में, वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, अरे वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए। और ये लाइन अंतिम आपकी समझ में आए तो आशीर्वाद। अरे वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, अरे आंसू बहे आस के देख सूरदास के, श्याम मेरी नाव के खेवैया बन जाइए, श्याम मेरी नैया के खेवैया बन जाइए। और मैं पूछ क्या रहा हूं दोबारा से, हमारे उस्ताद कह रहे हैं कि ये लाइन दोबारा से होनी चाहिए,
आप लोगों की इजाजत सबकी हो जाए तो बोल दूं भैया दोबारा, फिर टाइम मत दिखाइए उस्ताद ने। अरे रात बहुत हो गई, अरे राधा के साथ में बंसी लेके हाथ में वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, वृंदावन में रास के रसैया बन जाइए। और आंसू बहे आस के, अरे आंसू बहे आस के देख सूरदास के, श्याम मेरी नाभ के खिवैया बन जाइए, श्याम मेरी नाभ के खिवैया बन जाइए, श्याम मेरी नाभ के खिवैया बन जाइए। बैठो देवी बैठ जाओ। ए क्या बात है, अब मैं पूछ के आ रहा हूं उस्ताद, और टुकड़ा ऐसा होगा कि ऐसा कोई आदमी शेष नहीं रहेगा जो तालियां नहीं बजाएगा। सुनिए, अब मैं पूछ क्या रहा हूं खान साहब, जब नर पे नर ये चढ़ा, जब नर पे नर ये चढ़ा, जब नर पे नर ये चढ़ा, जब नर के ऊपर नर चढ़ा, क्या जब नर पे नर ये चढ़ा तो तेरा वंश अगारी पढ़ा, जब नर पे नर ये चढ़ा तो तेरा वंश अगारी बढ़ा। देखिए आनंद लिया जाता है, अगर आनंद आ जाए लेन में तो फिर धुआंधार होनी चाहिए ताली। देख, नर पे नर ये चढ़ा तेरा वंश अगारी बढ़ा, और भैया मुड़सान वाले जा, तेरी अम्मा का सिग्नल डाउन पड़ा, तेरे बाप का सिग्नल खड़ा रे छोरा, तेरी अम्मा का सिग्नल डाउन पड़ा, तेरे बाप का सिग्नल खड़ा रे छोरा। दे मजा ले ले के होनी चाहिए बेटा। जब नर पे नर ये चढ़ा, जब नर पे नर ये चढ़ा तेरा वंश अगारी बढ़ा, तेरी अम्मा का सिग्नल डाउन पड़ा, जे तेरे बाप का सिग्नल खड़ा रे छोरा, सुन ले तू छोरा छोरा, सुन ले रे छोरा छोरा, सुन ले रे छोरा छोरा, सुन ले रे छोरा। अब आगे समझते रहना कि मैं पूछ क्या रहा हूं, जब नर पे नर चढ़ा तो उससे वंशागारी बढ़ गया। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति कौन था। अब आगे, ऐसा ना करता छोरा, ऐसा ना करता छोरा, सुन ले वो बाप जो तेरा, ऐसा ना करता छोरा, सुन ले वो बाप वो तेरा, आता ना तू धरती पे होता ना तेरा डेरा, तो दोष ये माथे मढ़ा, दोष ये माथे मढ़ा, तेरा इससे नक्शा कढ़ा, अरे दोष ये माथे मढ़ा, तेरा इससे नक्शा कढ़ा। और फिर हाथ उठा के बोलो भैया मेरे संग में, तेरी अम्मा का सिग्नल डाउन पड़ा रे, तेरे बाप का सिग्नल खड़ा रे छोरा, सुन ले तू छोरा छोरा, सुन ले रे छोरा छोरा, सुन ले रे छोरा छोरा। हाँ जी, ये मेरी तरफ से टुकड़ा रहा भैया के लिए। अब आगे छंद, अरे किशन शर्मा के रसियन को और कोई हल्ला है रयो भारी है, और कोई हल्ला है रयो भारी है, अरे नए गंज में वो नामी है गयो, वो मेरो छेद लाल बंसारी है,
रायगंज में नामी है गयो चेदलाल पंसारी। भैया के लिए एक टुकड़ा दिया और एक बहर का आदेश था, बहर बजा करके मास्टर था। थोड़े से ना मंच पे शांति बनाए रखें भाई साहब। ओ दादा और पंसी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दंगल हो रहा है तो मैंने छंद रखा, और जो रसिया में गाने के लिए जा रहा हूं पहला नंबर है खलीफा जी। आजकल हमारे देश के हालात क्या हो चुके हैं सुनेंगे रसिया को, जो आज ही टीवी पर दिखाया गया है दिन में, जब आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात ट्रंप से हुई, जब ट्रंप से हुई तो मोदी जी ने ट्रंप से कहा क्या, सुनिए और बात को पकड़ने की कोशिश करना गोपाल। देख अरे देखो मोदी ने, बाबा उड़ जाएगी। हाँ जी गिर रहा ज्यादा दी
मोदी ने ट्रंप ते कह दई दो टूक क्या केरे देखो मोदी ने ट्रंप ते कह दई दो टूक अरे बीच में कोई मत आओ मेरे मोदी ने ट्रंप ते अशोक भैया बेशक वो निर्णय हो चुका मगर ट्रंप से मुलाकात में कहा क्या मोदी जी ने सुनिए। हाँ साहब क्या बात है। हर हर मोदी घर घर मोदी धन्यवाद 56 इंची सीना है साहब बनियान मोदी। अरे है कश्मीर हमारो मसला कश्मीर हमारो हमला अरे है कश्मीर हमारो हमला है कश्मीर हमारो मसला और हम दोनों निपटा में अरे है कश्मीर हमारो मसला अरे हम दोनों निपटा में बीच में कोई नहीं आएगा दादाजी सुनते रहना बीच में कोई नहीं आएगा ये मसला हमारा और उनका है सुनिए। अरे है कश्मीर हमारो मसला और हम दोनों ही निपटा में अरे हिंद पाक के बीच कोई बिचौलिया ना आए भावे बिचौलिया ना आए भावे भैया बिचौलिया ना आए भावे हिंद पाक से काल के बीच चेतन खलीफा देख केरे अपने घर के ही समझते रहना काफिया दो टूक केरे अपने घर के ही मार रहे जामे फूक अरे बीच में कोई मत आओ आदरणीय मोदी जी ने कहा भैया जी अगर वो पाक आतंकवाद खत्म कर देगो अरे आतंकवाद खत्म कर देगो अरे आतंकवाद खत्म कर देगो अरे जो इमरान तुम्हारो अरे आतंकवाद खत्म कर देगो अरे जो इमरान तुम्हारो जो के किसी दिन पाकिस्तान की टीम का एक बॉलर था और आज वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो कहना है अरे आतंकवाद जो खत्म कर देगो जो इमरान तुम्हारो अरे बातचीत कश्मीर पे हो गई ये वायदा रहो हमारो काफिया नोट करते जाएं दो टूक अब तो पीओ के लेवे की हमकू भूक और द्वितीय काफिया आया था
एरे अपने घर के ही मारे रहे जामे। सुनो एरे अब तो पियो के लेबे की हमको भूख, अरे बीच में कोई मारते आई और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरा रसिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? धन्यवाद है भैया। आगे कहना है मेरा, सबरी दुनिया सबरी दुनिया सबरी दुनिया संग हमारे कूटनीत है ऐसी, अरे सबरी दुनिया संग हमारे सबरी दुनिया संग हमारे अरे कूटनीत है ऐसी। और शब्द ने कड़वा सा आ रहा है राहुल, कूटनीत है ऐसी, अरे जो कोई भड़ुआ बीच में अब बाकी होगी ऐसी कैसी, अरे होगी ऐसी कैसी भैया होगी ऐसी कैसी, जो कोई भड़ुआ बीच में आवे नोट करो दूक। अब लास्ट बंदर बोल रहा हूं, अरे 370 हाँ जी आज तक किसी पर 370 धारा खत्म नहीं हुई दोस्तों, और मैं दावे के साथ में कह रहा हूं और समर्थन मेरी बात का कर देना, बहुत प्रधानमंत्री हुए भारतवर्ष में किसी पर भी 370 धारा खत्म नहीं हुई, मगर हमारे और आपके एक ही प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी सरकार में आकर के धारा 370 तो कहना है, अरे 370 खत्म कर दई उन्हें अपने प्रण को पारो, उन्हें अपने प्रण को पारो, अरे राजनीति को रसिया गारो मेरो खिचो आके मारो, अरे खिचो आके मारो भैया खिचो आके मारो, राजनीति को रसिया गारो खिचो आके मारो। अरे खिचो आके मारो भैया खिचो आके मारो, राजनीति को रसिया गाए रहो खिचो आके मारो। गुल्ला भैया, एरे बाबू शर्मा ने दुश्मन को कर दयो मूक मूक, एरे बाबू शर्मा ने दुश्मन को कर दयो मूक, अरे बीच में कोई मत आओ। बात है साहब, मुझे इश्क है
मुझे इश्क है तुम्हीं से और मेरी जान जिंदगानी। और गायकी भी देखना भैया, अंतर देखना पूरी रात में आप। मुझे इश्क है तुम्हीं से और मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। खलीबाजी कहाँ जा रहे हो? देखो नयो गीतो जा जरूर सुनो तुम बैठ के आराम से। डारा 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 चेतन खलीबाजी स्वर अंदर चले जाते हैं। डारा 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 अब गीत यहां से अब चालू होता है। हे भैया हो कामेश्वर महादेव भगवान कन्हैया बाबा, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कल तक थे जो सबसे पीछे, समझना, अरे कल तक थे जो सबसे पीछे और कल तक थे जो सबसे पीछे, ये समय की बात है बाबूजी। कल तक थे जो सबसे पीछे आज आगे बढ़ गए हैं, कल तक थे सबसे पीछे, कल तक थे सबसे पीछे आज आगे बढ़ गए हैं। और इन दोनों लाइनों में विरोधाभास और पड़ा हुआ है, विरोधाभास और पड़ा हुआ समझने की कोशिश करना। कल तक थे जो सबसे पीछे आज आगे बढ़ गए हैं, और पैरन में अरे पैरों में जो पड़े थे आज सर पे चढ़ गए, आज आगे बढ़े गए हैं, और पैरों में जो पड़े थे आज सर पे चढ़ गए हैं। अब पहला उदाहरण सुनेंगे कि सिरिहीन हो के चंदा, सिरिहीन हो के चंदा शिव की शरण में आया, डर के कारण भगवान शंकर की शरण में चंद्रमा आ गया। सिरिहीन हो के चंदा शिव की शरण में आया, और उसे प्राण दान देकर शिव ने शीश पे चढ़ाया, बात है खलीफा जी। ऐसे ही उस्ताद लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। सिरिहीन
चंदा शिव की शरण में आया, उसे प्राण दान दे कर शिव ने शीश पे चढ़ाया। इसमें डबल बात और हो रही है, कलाकार समझ रहे होंगे यहाँ जितने भी कलाकार होंगे, शिव की कृपा हुई तो, शिव की कृपा हुई तो, शिव की कृपा हुई तो हर शास्त्र पढ़ गए हैं। और वो ही लाइन आएगी, जो पैरनों में पड़े थे, पैरों में जो पड़े थे आज सर पे चढ़े। पहला उदाहरण चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर है, अब द्वितीय के सदियों से हो, 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 हो। बड़ी मेहनत का गाना बजाना होता है भाई साहब, और जब मुकेश का मूड इधर उधर घूमता है तो बड़ा मजा भी आता है इसे गाने में। देख सदियों से गंगा मैया विष्णु चरण में पाई, सदियों से गंगा मैया, सदियों से गंगा मैया विष्णु चरण पाई। हाँ भैया, मैं जनता वालों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं पहला नंबर गा रहा हूँ, ऐसा कोई शब्द तो नहीं गाया है मैंने फटका या लटका या किसी भाई को बुरा लगे। भैया पहला नंबर बिल्कुल साफ। अब अगले नंबर को ये इशारा आपका होगा कि मुझ पर किस तरीका का आप गब्बा होगे, ठीक है? नहीं कहना है सदियों से गंगा मैया विष्णु चरण में पाई, और अरे जब बात उनका आया शिव ने शीश पे बिठाई, साहब जी की तरफ से ये अनगिनत पुरस्कारों की बौछार हुई, एक बार जोरदार तालियां आप बजा करके स्वागत करेंगे। सदियों से गंगा मैया विष्णु के चरण में पाई, खलीबाजी जब बात उनका आया शिव ने शीश पे बिठाई, और उन भागीरथ के नक्शे, उस भागीरथ के नक्शे। हाँ भैया देखो ऐसा मत करो, हमारी पैदा में रोड़ा मत अटकाओ, भैया दे भी आए तो दे धंधे पूरो। उस भागीरथ के नक्शे, हाँ सर, के उन भागीरथ के नक्शे लेखन में कढ़ गए हैं, लेखन में कढ़ गए हैं, और पैरन में, अरे पैरन में जो पड़े थे आज सर पे चढ़ गए हैं, पैरों में जो पड़े थे। अब देखिए दो उदाहरण हुए, खलीफा जी चेतन खलीफा जी समझते जाना, आज भी चंद्रमा समझने की बात है, आज भी चंद्रमा किसी मूरत में देखो भगवान शंकर के शीश पर है, गंगा मैया आज भी शीश पर है, और एक और उदाहरण मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो भी शीश पर है, आज आज भी, मगर बीच की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बीच में किसी ने किसी कारण उतार दिया हो और फिर से वो धारण कर लिया हो, समझने की बात है। क्या उस मोर पंख पे जब
मोर पैच बोली ना जाती भैया गामन में मोर पैच समझ रहे हो देख हाँ जयवीरा तू बहुत जल्दी समझ रहे हो मोर पैच है उस मोर पंख पे जब कानान पैर धारा और उसे धूल से उठाकर कन्हैया ने उसे धूल से उठाकर अपने ही शीश धारा अपने ही शीश धारा और गुरु अपने ही शीश धारा और बलिहारी बलिहारी भक्त की है झंडे से गढ़ गए हैं बलिहारी भक्त की है झंडे से गढ़ गए हैं और एंड में हमारे गुरु ने छाप बना दी यहाँ पे कहते मुकेश शर्मा वो माथे से मढ़ गए हैं और पैरन में जो पड़े थे आज सर पे चढ़ गए